हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम एपिसोड 5th स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का। बाकी के एपिसोड्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है। कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके भी आप ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको हमारे सारे एपिसोड्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो आयुषी मैम इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स चला रही हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। चलिए आज पढ़ते हैं हम चैल्कोलिथिक एज, कोपर स्टोन एज। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारे एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट्स के कोर्स टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आप विजिट कर सकते हैं। चैल्कोलिथिक एज, कोपर स्टोन एज, 3000 से 500 बीसी। डेट वेरीड है, डेट फिक्स्ड नहीं है, लेकिन हम शुरू करते हैं फीचर से। इमर्जेंस ऑफ यूज़ ऑफ मेटल अलोंग विद स्टोन टूल्स। स्टोन के साथ साथ यहाँ पे मेटल का इमरजेंस भी शुरू होने लग गया, तो ये चीज़ इस नई है। अब तक मेसोलिथिक न्योलिथिक में हमने पढ़ा कि स्टोन्स का इस्तेमाल हो रहा था, न्योलिथिक एज में इन्वेंशन भी हुआ था स्टोन का, लेकिन मेटल का यूज़ तो तब भी नहीं हो रहा था। चैल्कोलिथिक एज की खास बात यह है कि कॉपर का इस्तेमाल होने शुरू हो गया, जो कि फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड वॉज कॉपर। ओकेशनली कभी कभी ब्रोंज का भी इस्तेमाल किया जाता था और कभी कभी आयरन का। तो प्रश्न अगर आ जाए कि क्या कॉपर का ही इस्तेमाल होता था, तो नहीं, मोस्टली कॉपर का इस्तेमाल होता था, ब्रोंज और आयरन का इस्तेमाल भी साथ के साथ होता था। टेक्नोलॉजिकली अगर मैं बात करूं, चैल्कोलिथिक एज हड़प्पा से पहले आया था। अगर सेटलमेंट्स हम देखें, कुछ कई जगह हड़प्पा के बाद भी दिखा है। ये हड़प्पा के बाद जो है, आपको पता है हड़प्पा में ब्रोंज का इस्तेमाल काफ़ी उच्चतम स्तर पर हुआ था, तो उसके बाद देखा कि चैल्कोलिथिक स्टेज कई जगह पे शुरू हुआ है जहाँ पे हड़प्पा कल्चर आ चुका था। तो कुछ प्री हड़प्पन भी है, कुछ पोस्ट हड़प्पन भी है, और कुछ कंटेम्पररी भी हैं। अगर मैं प्री हड़प्पन कल्चर्स की बात करूँ, तो आपके सामने स्क्रीन पे है गणेश्वर, खेत्री माइंस ऑफ राजस्थान के पास में जो है, कालीबंगन राजस्थान में, बनावली हरियाणा, और सिंधकोट जी, ये हड़प्पा से पहले चैल्कोलिथिक कल्चर यहाँ पे दिखाई दिए थे। तो इन साइट्स को आप बार बार पढ़ते रहिएगा। हालांकि इस चैप्टर में जितनी भी डिटेल्स आपको पूरी रटने की जरूरत नहीं है, समझ समझ के आगे बढ़ेंगे हम। कॉपर का इस्तेमाल इस तरीके से होता था, आपके सामने आप देख सकते हैं कि पोटरी भी है और किस तरीके से पॉलिश्ड जो है वो स्टोन है। कॉपर का इस्तेमाल कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने किया, ये आप देख सकते हैं फोटो। एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, तो काउस को डोमेस्टिकेट करने लग गए, बफेलोस को करने लग गए, डियर को हंट करने लग गए। करते थे, शुरू नहीं हुआ, करते थे, पहले से करते आ रहे हैं। कैटल वगैरह तो पहले से ही जो है डोमेस्टिकेशन होता था। बीफ खाते थे लेकिन पोक नहीं खाते थे, और घोड़ों के बारे में इतना नहीं जानते थे। वही हड़प्पा वाली बात है जो हम आगे पढ़ेंगे। एक चीज़ बहुत यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि एनिमल्स को खाने के लिए मारा जाता था, उनसे दूध के प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जाते थे, मिल्क के लिए उनको मारा, मिल्क के काम वो नहीं आते थे, ये याद रखिएगा। स्टेपल फूड उनका वीट और राइस था, लेकिन साथ के साथ बाजरा, पल्सेस भी उगाते थे। ईस्टर्न रीजन की अगर मैं बात करूँ, तो फिश राइस काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उपयोग में आती थी। झूम कल्टीवेशन स्लैश बर्न एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन की मैं बात करूँ, तो वो भी होता था, और ख़ास करके ईस्टर्न रीजन में आपको पता है आज भी स्लैश बर्न जो है कल्टीवेशन होता है। कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं ईस्टर्न इंडिया में। सबसे ज़रूरी बात, प्लग और हो अभी तक नहीं आया था, ये बुद्धा के टाइम पे आए थे, आयरन के बने हुए। जो हल प्लग, मतलब जो हल होता है ना, आजकल जो फार्मर्स हल इस्तेमाल करते हैं, आजकल तो फिर भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लेकिन जो हल होता है खेत में काम आता है, वो उस टाइम नहीं आया था। तो इसका मतलब प्रोडक्शन उस उच्चतम स्तर पे नहीं हुआ जितना आयरन प्लग आने के बाद हुआ था। अभी केवल अच्छा सा, मतलब अभी केवल थोड़े बहुत इन्वेंशन हो रहे हैं, और खाना जो है क्रॉप्स में डाइवर्सिटी आई है। पोल्ट्री की बात करूँ, तो आपने देखी कि ब्लैक एंड रेड पोल्ट्री काफ़ी पॉपुलर थी। पोल्ट्री जब बनी हुई, अगर आपने कभी देखी हो बनते हुए, तब देखेंगे एक व्हील घूमता है, पहिया घूमता है, और जो बनाने वाला होता है मटकी, वो घुमाता रहता है उसको, तभी मटकी बनती जाती है, शेप देता जाता है। उस टाइम वही प्रयोग में आती थी मोस्टली। पेंटेड भी थी, वाइट लाइन डिज़ाइंस के उसको पेंट भी करते थे, ये मैंने आपको बताया, ये देखिए।
ये वाइट लाइन डिज़ाइन से पेंट हो रखी है, समझ रहे हैं ना आप। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है कि हैंडमेड थी, पोटर्स व्हील थी, तो आप बोलेंगे पोटर्स व्हील्स भी थी, हैंड तो शुरू से बना रहे थे वो हैंडमेड। वाइट लाइन डिज़ाइन थी, पेंटेड थी, ब्लैक एंड रेड पोटरी फेमस थी। सबसे ज़रूरी बात, मटकी बनाने का काम केवल और केवल पुरुष करते थे, महिलाएं इस काम को नहीं करती थी, पोटर्स व्हील को यूज़ नहीं करती थी। पोटरी बनाती होगी लेकिन पोटर्स व्हील को यूज़ नहीं करती होगी, ये बात तो पुख्ता हमारे सामने है। और फैक्ट्स की बात करता हूँ, बंट ब्रिक नहीं थी। हड़प्पा की खास बात यह है कि उस टाइम बंट ब्रिक थी। हम शुरू में देखे थे, हमने घास फूस की झोपड़ियों में इंसान रहना शुरू किया था। नियोलिथिक में आते आते जो मड है, गीली मिट्टी की झोपड़ियाँ बनाना शुरू करते थे, काफ़ी मजबूत थी, ऐसी बात नहीं है पहले से। इससे भी मजबूत आई बंट ब्रिक जो हड़प्पा में आई थी, तो वो चालकोलिथिक एज में नहीं थी, दे वर नॉट एक्वेंटेड विद बंट ब्रिक, तो अभी भी वो मड ब्रिक्स में ही जी रहे थे। और विलेज बेस्ड इकोनॉमी थी। कई बार बच्चे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं चालकोलिथिक एज जो हड़प्पन एज में, तो मैं बता दूँ आपको कि चालकोलिथिक एज विलेज बेस्ड इकोनॉमी थी और हड़प्पन जो थी वो अर्बन बेस्ड थी, और उसमें बंट ब्रिक यूज़ में आती थी। चालकोलिथिक एज में राइटिंग का इस्तेमाल नहीं होता था, विलेजेस भी छोटे थे और झोंपड़ियाँ पास पास थी, लोग खाना बनाते थे, कुक करते थे। अर्थ गोडेस की फिगर भी पाई गई यहाँ पे, यानी वो मदर गोडेस को मानते थे, पूजा करते थे, दे वर्शिप्ड हर। उसके बाद जो है वुमेन के ऑर्नामेंट्स भी दिखाई दिए, शेल बोन के बने हुए, तो ऑर्नामेंट्स और डिज़ाइन का भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे प्रयोग होता था। मतलब डिज़ाइन भी वहाँ पे लोगों के होश में थी कि परप्पा की जैसे, मतलब यहाँ पे आर्टिस्टिक वर्क जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। बुल जो था वो एक तरीके से माना जाता था रिलीजियस कल्ट का सिंबल, जैसे हमारी जो काउज होती हैं वो होली होती हैं, उनको होली एनिमल्स मानते हैं, तो उस टाइम बुल जो था वो होली सिंबल माना जाता था। जैसे आज भी बुल टेराकोटा बनते हैं मालवा राजस्थान में, उस टाइम बनते थे, उस हिसाब से जो है आप कह सकते हैं कि वर्शिप होती थी, प्योर रिलीजियस नहीं थी, लेकिन ये था कि बुल को वो पूजा करते थे, अर्थ गोडेस थी तो नेचर से रिलेटेड थी, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। कॉपर बनाते थे ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ भी थे, और एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ बनने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, को आर्ट आनी चाहिए कॉपर स्मेल्टिंग की। स्टोन वर्क भी अच्छे से करते थे, तो इन आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो खेती का काम है उससे अलग होना पड़ेगा, और जो खेती करने वाले जो लोग हैं उनको इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा कि आर्ट वालों को खिला दे। तो धीरे धीरे जब कॉपर के प्रोडक्ट्स आने शुरू हुए, धीरे धीरे जिस तरीके से सब्सिस्टेंस बढ़ता गया, प्रोडक्शन बढ़ता गया, तो आर्ट भी सपोर्ट होता गया। सेमी प्रेशियस स्टोन्स का भी इस्तेमाल वे करते थे, स्पाइनिंग और वीविंग भी करते थे, कॉटन का भी काफ़ी अच्छे से वीविंग होती थी, खासकर शायद डेक्कन में होती थी। राइस तो मैंने बताया दिया आपको ईस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में बार्ले और वीट काफ़ी फेमस है, उस टाइम भी थी, स्टेपल फूड थी। एक ये चीज़ याद रखिएगा कि मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, वेस्टर्न इंडिया की, तो जो मर जाता था उसको, जब उसको उसका बुरियल जो होता था वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता था, साउदर्न इंडिया में वो ईस्ट टू वेस्ट होता था। कई बार फ्रैक्शनल बुरियल भी देखी गई ईस्टर्न इंडिया में, फ्रैक्शन मतलब कि हड्डियाँ अलग अलग जगह पड़ी हुई है, मतलब जो स्केलेटन है वो ऐसे पूरी तरीके से ऐसे उसमें डिज़ाइन उसमें ऐसे लेटा हुआ नहीं है स्केलेटन, वो सिर की हड्डियाँ, सिर का जो है वो मुखौटा अलग है और बाकी जो हड्डियाँ अलग पड़ी हुई हैं, तो फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन में बटी हुई थी, तो वोइलेंस का सिंबल था वो एक तरीके से, कि वोइलेंस बहुत ज़्यादा हुई थी। बहुत खास बात यह है कि इन्फेंट मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि देखा गया कि बच्चों के जो बुरियल्स थे वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे, तो सबूत यही मिलता है कि इन्फेंट मोर्टलिटी ज़्यादा थी। अब हो सकती है डिसीज़ भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्फेंट मोर्टलिटी ज़्यादा थी। और साथ ही साथ देखा गया सोशल इनक्वालिटी भी बढ़ती चली गई, कि किसी में जो है छोटे छोटे घर थे सर्कुलर, किसी के रेक्टेंगुलर, बड़े बड़े हाउसेस थे, वहाँ पे चीफ माने जाते थे कि चीफ वहाँ पे रहते थे, और देखा गया डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा थी, रेक्टेंगुलर जो हाउसेस थे और जो सर्कुलर हाउसेस थे उनके घर की जो दूरी थी बीच की वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसका मतलब इनक्वालिटी शुरू होनी शुरू हो गई, क्योंकि जो हट्स थी सर्कुलर वो तो पास पास में थी। तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखी गई, मैं आपको बता दूँ कि किसी के बुरियल में तो नेकलेस थे, महंगे महंगे आभूषण थे उस टाइम के हिसाब से, ऑर्नामेंट्स थे, शेल थे, लेकिन किसी के बुरियल में केवल कॉपर जो पॉटरी थी। तो ये दर्शाता है कि सोशल इनइक्वालिटी कितनी बढ़ती चली गई जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता चले गया साथ में।
हायरार्की जो है वो बनती चली गई इसी एज से। न्यूलिथिक एज में हमने देखा कि लेटर स्टेज में देखना शुरू हुआ कि पेंटिंग्स में जो एज के जो डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हो गया था बेस्ड ऑन एज एंड सेक्स, लेकिन चलकोलिथिक में आते आते आप देखोगे कि वो डिवीजन वाइड होता चला गया। इंपॉर्टेंट चलकोलिथिक साइट्स आप देख लीजिए एक बार, मैप में भी दिखाऊंगा आपको एक बार, ऐसे देख लीजिए। आहर है, आहर और गिलुंड है राजस्थान का, नेवासा है, नवदोतोली है, धीमाबाद, धीमाबाद याद रखिएगा क्योंकि ये लार्जेस्ट जोरवे कल्चर है गोदावरी वैली में, ब्रॉन्ज गुड्स यहाँ पे मिले थे ब्रॉन्ज के इसलिए, ठीक है। और सोंगांव, मालवा, इमागांव, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आप याद मत रखिएगा एक एक डिटेल। नाम आपको, आपको जब आपके सामने ये नाम ऑप्शंस में आए तो रिकॉग्नाइज हो जानी चाहिए आपको कि हाँ ये हमने पढ़ा था इसमें, ठीक है। ये मैप है आपके सामने, इस मैप में एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसमें थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा मैप आपको, क्वालिटी थोड़ी यूट्यूब की इंप्रूव कर लीजिए। ये नेवासा, इमागांव, जोरवे यहाँ पे था ये साइट, आहर, गिलुंड राजस्थान की मैंने बात की थी, गणेश्वर, ठीक है। तो आप अगर मैप को अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी साइट्स मौजूद मिलेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गुड बाय।